अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हो द जहल न्यूज, मैं हूं आपका मेजबान शाहिलाल। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद याकूब खान, जो कि MBBS, MS, MCH, गोल्ड मेडलिस्ट, कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जन, यानी हार्ट एंड चेस्ट सर्जन। उसके अलावा हार्ट, लंग एंड ब्लड वेसल्स का पूरी तरह से इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद याकूब खान से जानना चाहेंगे कि इनका जो ये टेन्योर रहा है जिंदगी की सफर के बारे में, सबसे पहले इनसे जानना चाहेंगे। उसके बाद आए रोज जो हार्ट अटैक के केसेस सामने आते हैं, तो उसकी बुनियादी अलामत क्या है, इन सब चीजों के हवाले से, इन सब मुद्दों के हवाले से डॉक्टर साहब से बात करेंगे और आप नाजरीन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे इस प्रोग्राम में आपका खैर मुकदम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, और नाजरीन को भी मेरी तरफ से सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जैसे हिलाल साहब ने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मेरी दे दी, तो मैं थोड़ा मोटा मोटा बोल दूं। कार्डियोवैस्कुलर एंड थोरेसिक सर्जरी स्पेशलिस्ट जो होते हैं, हार्ट से रिलेटेड, छाती से रिलेटेड और जिस्म में खून की नलियां जो होती हैं उनसे रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं, जिनका इलाज तकरीबन दवाई से कम और ऑपरेशन से ज्यादा ही किया जाता है। तो मेरी स्पेशलिटी में हार्ट के पैदाइशी तकलीफें या जिंदगी में बाद जो भी तकलीफें आ जाती हैं, छाती में, फेफड़े में, खाने की नली की बीमारियां जो होती हैं, पसलियों की बीमारियां जो होती हैं, और इसके अलावा इंसानी जिस्म में जो खून का बहाव होता है, जो खून की रगें होती हैं, उनमें भी बड़ी सारी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज ऑपरेशन से ही किया जाता है, उस चीज का मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आए रोज आपको भी, आप भी इस बात से बखूबी वाकिफ है कि आए रोज जो तश्वीशनाक हालत बनी है वादी कश्मीर में, जिस तरह केसेस सामने आ रहे हैं हार्ट अटैक्स के, यानी बिल्कुल नौजवानों का अक्सर बेशतर किसी न किसी इलाके से खबर मौसूल होती है कि फलानी जगह में फलानी नौजवान दिल का दौरा पड़ने से फोत हो चुका है, तो इसकी बुनियादी अलामत क्या क्या हो सकती है, तो किन किन चीजों से इंसान को परहेज करना चाहे? इसमें कोई शक नहीं है, जैसे आपने बता दिया कि पिछले 2-2.5 साल से इस किस्म के केसेस हमारे सामने ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मैं वैसे थे डॉक्टर ये गलत है, मैं भी दूर करने की कोशिश करूंगा कि इंसान की जब जान चली जाती है किसी भी बीमारी की वजह से, तो आखिर में धड़कन रुकने की वजह से ही उसको डेड डिक्लेयर किया जाता है, ये एक साइंटिफिक प्रैक्टिस है। तो मैं तो इसे बिल्कुल एग्री नहीं करूंगा कि किसी भी इंसान की अगर जान चली जाती है और उसको फिर आप एट्रीब्यूट कर देते हो कि इसकी सडन कार्डियक अटैक या कार्डिक प्रॉब्लम की वजह से डेथ हो गई। एंड में तो वही होना होता है कि जब धड़कन दिल की रुक जाती है तो वो टर्मिनल इवेंट होता है फॉर डिक्लेरेशन। तो ये जरूरी नहीं है कि जब तक, हाँ अगर पोस्टमार्टम हर एक केस में हुआ हो, वहां ये बात सामने आ गई हो कि दिल की बीमारी की वजह से किसी की जान चली गई, तो मैं मानू। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ बीमारियां मैं भी पेशेंट्स देख रहा हूँ, तो बड़े सारे इलाके मैंने बाहर भी काम किया हुआ है। दिल की बीमारियां बहुत अब आम हो गई हैं और कुछ सरकारी जो फिगर्स भी हैं वो भी बता रहे हैं कि दिल की बीमारियों में इजाफा हुआ है। उसके वजूहत बहुत सारे हैं, कुछ पैदाइशी बीमारियां भी होती हैं जो नज़रअंदाज हो जाती हैं पहले पहले, या कुछ लोग इलाज करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, यकीन नहीं रखते हैं, कुछ लोग खुद ही इलाज कर देते हैं, कुछ डॉक्टरी सलाह उसकी मर्जी, अपनी मर्जी से दवाइयां खाते हैं, मन मर्जी से इलाज करते हैं, कुछ लोग पूरा इलाज फॉलो अप में नहीं रहते हैं। तो बड़े सारी वजह है जो बात, जो बीमारियां मैं 8-9 साल में समझ चुका हूँ, शायद ही मैं 6-7 मिनट में वो सारा डिटेल में बोल पाऊँ, लेकिन ये बात सही है कि बीमारियों में न सिर्फ दिल की बीमारियां और भी बीमारियां हैं जिनमें इजाफा हुआ है। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए, वैसे तो आप हार्ट के ही सर्जन हो, आपने गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हो और आपने 3 साल सिकमज में गुजारे हैं, रजिस्ट्रेशन वहां से हासिल की है और उसके बाद आप मुरादाबाद चले गए हैं, वहां पे कुछ महीने आपने गुजारे हैं, तो किस तरह का टेन्योर रहा, उसके बाद मुरादाबाद से फिर आप अपने वतन कश्मीर की ओर वापस आए हैं, तो ये सारा जो टेन्योर रहा है कैसा रहा है आपको, किस तरह का जो पेशेंट्स के साथ आपका तालमेल रहा, तो थोड़ा सा तफसील नाजरीन को बताए।
मेरी मेडिकल ग्रेजुएशन जम्मू में हुई है 2004 में। 2009 में मैं श्रीनगर SMHS हॉस्पिटल में रेजिडेंट डॉक्टर था। उसके बाद मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम श्रीनगर में हुआ है स्किम्स में, MS जनरल सर्जरी किया हुआ मैंने। उसके बाद मैंने कार्डियक सर्जरी में MCH किया हुआ है। उसके बाद मैंने रजिस्ट्रारशिप स्किम्स में ही करी थी तीन साल की। उसके बाद मैं एज कंसल्टेंट उजाला सिग्नेस हॉस्पिटल मुरादाबाद में गया था, जहां मैंने 4 महीने कोई काम किया। कुछ जाती मजबूरियों की वजह से मुझे वहां आना पड़ा, वापस आना पड़ा। और दिल में ये भी बात थी कि नहीं, मैं इसी ज़मीन से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो रहता भी यहीं पे हूँ, तो अपने लोगों की खिदमत का मौका मिले, ये अच्छी बात है। और यहाँ पे मैं इस बात पे ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ कि इलाज के मामले में मरीज को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने डॉक्टर को जानना कि बीमारी किस तरह की है, मुझे किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर साहब की जिम्मेवारी होती है कि प्रॉपर ऑनेस्ट रेफरल दे दे कि अगर हड्डी वाले डॉक्टर साहब को लगे कि नहीं छाती में प्रॉब्लम है, गुर्दे में प्रॉब्लम है, फर्स्ट ट्रीटमेंट देके वो एक साइंटिफिक रेफरल के बाद एक प्रोटोकॉल पाथवे के थ्रू ही पेशेंट को रिलेवेंट ट्रीटमेंट पे भेजा जाए। जहां तक हार्ट की बीमारियों का इलाज करने वाले डॉक्टर साहब का ताल्लुक है, दो किस्म के डॉक्टर्स होते हैं, कार्डिक फिजिशियन जिनको कार्डियोलॉजिस्ट सब बोलते हैं, जो प्राइमरी कॉन्टेक्ट रहते हैं किसी भी जगह मरीज देखने में, तो जिन बीमारियों का इलाज दवाई से या कुछ छोटा इंटरवेंशन करके ही किया जाता है, वो कार्डियोलॉजी का डोमेन है। तो कुछ बीमारियां अफसोस के साथ ही मैं कह सकता हूं कि कुछ बीमारियां गंभीर थोड़ी सी ज्यादा होती हैं, जिनका इलाज दवाई से मुमकिन नहीं हो पाता है, जिनका ऑपरेशन करना बहुत जरूरी होता है, तो वो पेशेंट फिर कार्डियोलॉजी से रेफर होकर कार्डियक सर्जन के पास आ जाते हैं। तो हमारे 70-80% से ज्यादा मरीज जो हमारे पास आते हैं वो डायरेक्ट हमारे कॉन्टेक्ट में डायरेक्ट नहीं आते हैं, वो हमारे रेफरल सिस्टम से आ जाते हैं, तो जनरल मेडिसिन से आ जाते हैं या कार्डियोलॉजी से आ जाते हैं। तो मरीज के लिए ये बहुत जानना जरूरी है कि मुझे किस डॉक्टर के पास, मुझे किस हॉस्पिटल में इलाज करना है। बदकिस्मती की बात ये है कि जहां तक मुझे समझ आ गया है कि ट्रीटमेंट के साथ साथ एजुकेशन भी बहुत ज्यादा मस्ट है। हमारे सोसाइटी में अभी मेडिकल एजुकेशन तकरीबन कहीं नहीं है। मेडिकल एजुकेशन बहुत जरूरी है, इंफॉर्मेशन देना बीमारियों के रिलेटेड। आपने हाल ही में देखा होगा कि महामारी कोरोना की जो शुरू हो गई थी, आपने देखा था कि एडमिनिस्ट्रेशन ने पब्लिक एड्रेस सिस्टम यूज की, बाकी जो भी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लिया लोगों में मैसेज देने के लिए। तो वो तो एक मैं बोलूंगा समझता हूँ कि वो मजबूरी एक थी, तब उस चीज की उनको ज्यादा अहमियत की जरूरत पड़ी। यानी अगर मेडिकल एजुकेशन यहाँ पे होता उस चीज की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो लैक ऑफ मेडिकल एजुकेशन आप बोल रहे हैं उस चीज की कमी है। अब ये चीज है कि स्कूलों में भी थोड़ी सी एलिमेंट्री हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ कॉन्शियसनेस प्रोग्राम्स होनी चाहिए थे स्कूल्स में, कि बच्चों को अगर छोटी उम्र से ही ये बावर कराया जाए कि जंक फूड से क्या दिक्कत आगे हो सकती है, गुड हेल्थ कैसे मेंटेन किया जा सकता है, बीमारियों से कुछ बीमारियां जो है जो टाली जा सकती हैं वो कैसे टाली जा सकती हैं, किन तदाबीर क्या कौन कौन सी तदाबीर अपनानी, किस तरह का खाना खाना है हमने, ऐसे सिलसिलेवार तरीके से मतलब प्रोग्राम्स होते रहें एलिमेंट्री स्कूल्स में, हाई स्कूल्स में, हायर सेकेंडरीज में। और इसके अलावा अगर कम्युनिटीज में जाके हेल्थ अवेयरनेस कैंप्स हो जाते तो वो अच्छा रहता, ऐसे एजुकेशन हेल्थ अवेयरनेस डिस्कर्स हो जाती। डॉक्टर साहब आपके पास ये जानना चाहेंगे कि आप भी किसी गांव देहात से ताल्लुक नहीं रखते, आप भी इलाका दूरुशाबाद के सरजमीन से ही ताल्लुक रखते हैं, तो आपने जो सफर शुरू किया है अपने इलाके से ही किया है, इब्तदाई तालीम के हवाले से बात करेंगे यहाँ से हासिल की, उसके बाद माशाल्लाह आप बड़े बड़े अहदों पर फाइज रहे, तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अपने इलाकों का अक्सर बेहतर यही देखा जा रहा है, जब भी कभी किसी इलाके से कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई IAS ऑफिसर या केस ऑफिसर बन जाता है तो उसके बाद वो अपने इलाके की ओर कम ही रहता है। तो बहसते एक यहाँ ही पुश्तनी बाशिंदा होने के बावजूद नाते आप किस तरह की खिदमत करना चाहते हैं लोगों को, क्योंकि आप अभी आपने जिक्र किया कि मुरादाबाद से वापस आना एक मजबूरी बनी मेरी, क्योंकि मैं ताल्लुक रखता हूँ, और आखिरकार क्या किस तरह की खिदमत करना चाहते हो आप अपने इलाके के लोगों को? देखिए आपके सवाल में ही जवाब है, आपने बताया कि आप मुरादाबाद, मैं मुरादाबाद इसलिए चला गया था कि कार्डियक सर्जरी
जो हाई एंड सर्जरी डिपार्टमेंट माना जाता है, इसमें जानकार होना, रिसोर्सफुल होना तो एक बुनियादी जरूरत है, लेकिन उसके बाद भी हमारा कामकाज जो होता है, हमारे ऑपरेशन जो होते हैं, वो इक्विपमेंट डिपेंडेंट, मशीनरी डिपेंडेंट ज्यादा है। इसके लिए हाई एंड फैसिलिटी सेंटर होना चाहिए, मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी सेंटर होना चाहिए, हाई एंड केयर टेकर्स होने चाहिए। तो जो यहाँ अभी खाली स्किम्स में है और एक दो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, श्रीनगर में शुरू हुआ है, हमारा भी फ्लोरेंस में शुरू होने जा रहा है, जो रिसेंटली मैंने ज्वाइन किया हुआ है इस कंसल्टेंट। तो वो कुछ कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, कुछ मजबूरियां वो रहती है कि जहां पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं होता है कि जहां पे आप अपनी सारी सर्विसेज डिलीवर कर सके, वो दिक्कत रहती है। तो लोगों के लिए क्या मसीहत रहेगी, क्योंकि आप इलाके से ताल्लुक रखते हैं, बहुत सारे दूर दराज इलाका देहातों से जो लोग रह रहे हैं, तो जो इन बीमारी में मुब्तला मरीज होते हैं उन्हें काफी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, या उन्हें सिक्किम सोरा जाना पड़ता है, या किसी प्राइवेट निजी हॉस्पिटल की तरफ रुख करना पड़ता है। बस एक इस तरह के डॉक्टर होने के नाते, इस तरह के डॉक्टर होने के बावजूद हार्ट और चेस्ट जिसका अक्सर बेहतर ज्यादा केसेस में इजाफा देखने को मिल रहा है आए रोज, उन मरीजों के लिए क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से, ताकि उन्हें किसी न किसी हद तक एक आसाइश मिले? मैसेज तो मैं चाहूंगा कि मैं अपनी मादरी जबान कश्मीरी में ही दूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समझ सकें। मैं उन मैसेज यो है कि हार्टस रिलेटेड, छाती रिलेटेड, रगन रिलेटेड तकलीफ वाया ज्यादा आम थी, यम जन बदकस्मती सान लास्टस रेफरल पत ब्रो कहान, तो ये मन इलाज गुंजाइश थोड़ा कम पत रोजान, हर कोई तकलीफ वन इलाज मुमकिन। तो बेवन बात यह चीज कि वनक कहें इलाज वन आज जुवस मन ये बिल्कुल तुत कह तकलीफ कह कि जन कम इंसान गरीब इंसान हेकन हासिल कर यन पे आयुष्मान स्कीम आए हर कुन हस्पताल सरकारी हस्पताल प्राइवेट हस्पताल इन तबीह करमुत कि पोसन हंदिस पोस नास के वजह सोच लाइलाज कह मरीज रोज कह हर कुन प्राइवेट हॉस्पिटल मनक आयुष्मान स्कीम बिल्कुल लागू। तो हार्टस मज अगर कुन तरीक ऑपरेशन जरूरत पे बाईपास ऑपरेशन हार्ट वाल बदलान जरूरत पे छाति तकलीफ छाति में सेस मतनाड़ सेस या रगन हूँ कह तकलीफ आगन ट्यूमर हेकन रगन सेस हेकन या रग ब्लॉक यहुद इलाज आयुष्मान अंडर बिल्कुल अवेलेबल वनकिन। तो अम खतर सलाह मशवर पे डॉक्टर साहब जरूरी करूँ सो सरकारी हस्पताल मे अगर रेफरल दिए तो ठीक है तथा स्कीम चालू, तो प्राइवेट हस्पताल मन इन बीमार खुद पोस दिन कह अगर कह पोस मंगन तथा मज हूँ तुम कम्प्लेंट बाजाब कर तुम्हारा हक। तो यह मैसेज आप नाजरीन को बताइए कि इस किस्म के मरीज जो होंगे उन्हें इलाज करने के लिए कहाँ पे आप मुहैया होंगे और किस दिन आप इन मरीजों को देखने के लिए दस्तियाब रहेंगे, ताकि नाजरीन को भी पता चले और ज्यादा से ज्यादा जो इन बीमारी में, खासकर फिर से हम नाजरीन को बताना चाहते हैं, जो चेस्ट या हार्ट में मुब्तला मरीज होते हैं उन्हें एक पैगाम जाए यहाँ से कि अब उन्हें श्रीनगर या अनंतनाग या दीगर निजी अस्पतालों की तरफ रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इन बीमारियों का इलाज करने के लिए अब इनके अपने ही इलाके में यानी डोरू के ही इलाके में अब इस किस्म का डॉक्टर, माहिर काबिल तरीन डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है, जो हमने पहले ही जिक्र किया है, डॉक्टर मोहम्मद यकूफ खान जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है। सबसे पहले नाजरीन को यह भी यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि डॉक्टर मोहम्मद यकूफ खान के बारे में हम कहेंगे कि इन्होंने साल 2018 में सिक्किम सोरा में बेस्ट डॉक्टर अवार्ड हासिल किया है। ये काबिल फख्र की बात है कि हम अपने ही इलाके के रहने वाले डॉक्टर मोहम्मद यकूफ खान बताए कि जो मरीज होंगे उन्हें इलाज करने के लिए आप डोरू में कहाँ पे मुहैया होंगे और किस दिन मखसूस आपने कौन सा दिन मखसूस रखा है? हर इतवार को मेरी कंसल्टेशन रहेगी यहाँ जावेद मेडिकल स्टोर में, मैं पूरा दिन यहाँ पे अवेलेबल रहूंगा और उसके बाद इस बातें में यहाँ पे ज्यादा जोर दूंगा कि कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक सर्जरी में तकरीबन कम से ज्यादा ही कंसल्टेशन वाले पेशेंट्स में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें कुछ बीमारियां जो होती हैं जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हो जाती है, जैसे अगर मैं हार्ट में प्रॉपर ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो उससे पहले बहुत हद तक
मतलब मौका मिल जाता है, बीमारी मौका दे देती है कि जहां से परहेज इलाज या दवाई से ही मुमकिन हो पाता है वो। बदकिस्मती के साथ कुछ बीमारियां जरूर ऐसी हैं जो या तो पैदाइशी तरीके से जिस्म में आ जाती हैं या कुछ इस हद तक गई होती हैं आगे की जहां पे ऑपरेशन के अलावा और कोई चारा भी नहीं होता है। वो छाती में भी ऐसे कुछ तकलीफ हैं जिनका ऑपरेशन ही बुनियादी इलाज माना जाता है, और लेकिन तकरीबन आधे से भी मैं बोलूँगा कम बीमारियों का इलाज तकरीबन मेरी स्पेशलिटी में दवाइयों से ही मुमकिन हो पाता है। किसी किसी पेशेंट में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है तो ऑपरेशन के लिए हमने क्या किया है कि मैंने एज कंसल्टेंट कार्डियक सर्जरी थोरैसिक सर्जरी फ्लोरेंस हॉस्पिटल ज्वाइन किया हुआ है फुल टाइम एज कंसल्टेंट। तो मेरा वहाँ ज्वाइन करने से पहले भी मेरी एक ही जो हमने वहाँ पे मैनेजमेंट करवाया है कि एनश्योर कि वहाँ पे कार्डियक सर्जरी लंग और हार्ट की सर्जरी जो भी है वो आयुष्मान स्कीम के अंडर कवर अप हो जाए। तो अच्छी बात यह है कि वो अब शुरू हो गया, वो अप्रूव हो गया है। तो जो भी वहां पे ऑपरेशंस होंगे वो आयुष्मान गोल्डन कार्ड के अंडर ही और फ्री में अवेलेबल होंगे। आखिर पर डॉक्टर साहब ये बताया कि जो इस तरह के मरीज होंगे उन्हें किन किन चीजों से परहेज करना है, ये बात जरूर यहाँ पे जानना है। ऐसे ये जनरलाइज करके नहीं बोला जा सकता है कि किन चीजों का एहतियात करनी चाहिए, क्या खाने में क्या तब्दीली लानी चाहिए। अगर एक ही बीमारी चार मरीजों में देखी जाती है तो ये जरूरी नहीं है कि चारों पे एक ही तरह की दवाई लागू की जाए, चारों में एक ही तरह का इलाज हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं तो ज़ाहिरी तौर पर ऐसा नहीं समझता हूँ। ये एग्जामिनेशन के बाद ही कुछ इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही पता चल जाता है कि पेशेंट की बीमारी जो होती है स्टेज की जाती है, क्वांटिफाई की जाती है, और पेशेंट्स का रिस्पॉन्स भी दवाई पे ट्रीटमेंट पे डिफरेंशियल रहता है। आप यूं समझ लीजिए कि अगर नमूनिया किसी मरीज में हो जाता है तो दोनों पेशेंट्स में एक ही तरह की दवाई नहीं दी जाती है। ये डॉक्टर साहब ही टेस्ट के बाद एग्जामिनेशन के बाद इसको ट्रेडिशन बोलते हैं, स्टैंडर्डाइज कोई स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो हाँ कुछ बुनियादी तदाबीर हैं, बराबर खाना, सही साफ सुथरा खाना, पानी ठीक से पीना, उबला हुआ पानी पीना, बराबर सोना, तो ये कुछ मतलब बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं क्योंकि तो बुरी हालत आप सही ये रहें, सही सेहतियाब रहें। लेकिन कुछ जो बेसिक तदाबीर है जो हमें बोला जाता है कि अच्छा खाना खाना, फ्रूट खाना, रेडीमेड कम खाना, एक्टिविटी बढ़ाना, बैठे बैठे ज़्यादा का मतलब ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो है ये ज़्यादा अवॉइड ही करना, वेट गेन अवॉइड करना, सिम्टम्स को इग्नोर, मैं एज ए डॉक्टर बोलूँ कि सिम्टम्स को इग्नोर ना करना। अगर कहीं भी दिक्कत आपको, अल्लाह ताला की इनायत है हम सब पे कि हमें कुछ मतलब जिस्म में ऐसी कुछ वार्निंग सिम्टम्स रखे हैं जिनसे पता चल जाता है कि जिस समय कहीं पे तनाव है या कहीं पे तनाव बढ़ रहा है, तो उन चीज़ों को मेरी यही दरख्वास्त रहेगी कि उनको इग्नोर ना करें, मशवरा ले लें, डॉक्टर साहब से चेकअप करा लें, मशवरा ले लें। आप उनसे पूछ भी सकते हैं, बड़े सारे मरीजों में ये भी रहता है कि डॉक्टर से मैं अगर सवाल पूछूं तो कुछ नाराज ना हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो सुन लेंगे, आपको सही मशवरा देंगे, सही जगह जहाँ पे आपका इलाज हो वहाँ पे उस प्रॉपर आपको वो चैनलाइज करके रेफरल देके दे विल एंश्योर दैट यू गेट अ साउंड एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। चले बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर मोहम्मद यकूब खान जो कि MBBS MSCH कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिस सर्जन यानी हार्ट एंड चेस्ट सर्जन जो हमने पहले भी जिक्र किया, तो उसके बाद हार्ट लंग एंड ब्लड वेसल्स का पूरी तरह से इलाज कर रहे हैं। काफी माहिर तरीन डॉक्टर माने जाते हैं। इन्होंने 2018 में सिकिम्स में बेस्ट डॉक्टर अवार्ड भी हासिल किया है। कुल मिलाकर डॉक्टर साहब का कहना है कि जो इस तरह के मरीज होंगे उन्हें किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। अगर उनके जिस्म में किसी भी तरह की कोई अलार्मिंग कोई वार्निंग लगी सिचुएशन ऐसी दिखेगी उसे फौरन ऐसे डॉक्टर से सलाह मशवरा लेना चाहिए, उस तरह के उस डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि वो उसका इलाज जो है बरवक्त हो जाए। साथ साथ डॉक्टर साहब का कहना है कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्हें चाहिए कि वो बच्चों में हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस यानी जानकारी और तदाबीर एहतियाती तदाबीर के हवाले से प्रोग्राम्स इनकार करें ताकि बच्चों को जो तलबा है जो ज़ैर तालीम बच्चे होते हैं उन्हें पहले से ही पता चले कि उनके हेल्थ रिलेटेड चाहे जंक फूड के हवाले से इन्हें बात किया दीगर मामला के हवाले से ताकि बच्चों में पहले से ही पता चले कि हेल्थ रिलेटेड किस तरह वो फिट रह सके किस तरह वो तंदुरुस्त रह सकते हैं।
तब जाके इस तरह की बीमारियों में किसी न किसी हद तक कमी आ सकती है। डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि इनने अब बिलाकर यही सोचा है कि अपने इलाके के लोगों की खिदमत के लिए जावेद मेडिकल स्टोर जो कि डूरू में ही है उनके ही क्लिनिक पे ये हर इतवार को बराबर दिन के पूरे दिन यहाँ पे मरीजों के लिए मुहैया रहेंगे ताकि उन्हें किसी दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं होगी। इनका कहना है कि उन्हें चाहिए कि जब भी कभी किसी भी बीमारी में किसी की बीमारी के मुतालिक आपके जिस्म में लगे तो तो वो उनको बिल्कुल नजरअंदाज न करे, उन्हें ऐसा करने से उन्हें परहेज करना चाहिए, बल्कि किसी भी कोई भी बीमारी उनमें लगे तो फिल फोर वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे, अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा ले, जो भी नजदीकी डॉक्टर उनके पास होंगे उनके पास जाना चाहे, चाहे सिर दर्द हो, चाहे छाती में दर्द महसूस हो, चाहे किसी भी जिस्म के किसी भी हिस्से में आपको दर्द महसूस हो या कोई भी तकलीफ दिखे तो नजदीकी अस्पतालों की तरफ या नजदीक डॉक्टर साहब से सलाह मशवरा ले, तब जाके उसका इलाज जो है बरवकत किया जाएगा। बहरहाल आप बने रहिए द जाहिल न्यूज के साथ, तो दीजिए मेरे मेजबान शाह इशफाक को इजाजत, खुदा हाफिज़।